नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर, जो कि 10 सीटों पर होने हैं। इस बार बीजेपी फुल फॉर्म में नजर आ रही है और इसके साथ ही इन तमाम सीटों की जिम्मेदारी बीजेपी ने अपने कंधों पर ले ली है, यानी कि इस बार वो अपनी अलायंस पार्टीज का साथ नहीं लेने वाली है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आरएलडी को एक सीट मिलेगी, लेकिन आखिर आरएलडी का जो दावा है वो इतना मजबूत क्यों है, उसकी दावेदारी इतनी मजबूत की है? इसके साथ ही बीजेपी जो तमाम सीटें हैं उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ने की कोशिश क्यों कर रही है? इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, लेकिन असल में जो समीकरण है वो क्या कहते हैं, क्या स्टोरी है, ये जानेंगे। मेरे साथ में सौरभ जी जुड़े हुए हैं, वो आपको बताएंगे। जी, ये इस बार जो 10 में से 9 सीटें भाजपा लड़ना चाहती है, उसके पीछे वजह ये है, अगर हम लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो उसमें जितनी बीजेपी की जो साथी पार्टियां थी, चाहे वो अपना दल रही हो अनुप्रिया पटेल वाली, या संजय निषाद भाई निषाद पार्टी रही हो, या ओपी राजभर की सुभाषपा रही हो, इनके साथ ये हुआ कि इनकी परफॉर्मेंस पूरी की पूरी खराब रही पूरे लोकसभा चुनाव में। इसलिए बीजेपी इस बार उपचुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि लगातार लोकसभा चुनाव के बाद जितने उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी की परफॉर्मेंस काफी खराब रही है। तो वो अपने एक इमेज डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक इसका आखिरी मौका है, क्योंकि 2027 में जब यूपी का चुनाव होगा तो उससे पहले अगर उसने अपनी इमेज को सही नहीं किया तो शायद जनता के बीच में एक गलत मैसेज जाएगा कि बीजेपी का जो पैर था ओबीसी वोटर्स में वो बहुत डाउन, क्योंकि ये 10 सीटें जो हैं इसमें देखा जाए मैक्सिमम सीटों पर ओबीसी वोटर्स का ही दबदबा है। तो उनको अपनी तरफ, जो कि बीजेपी के कोर वोटर थे ओबीसी वोटर्स, उनको अपनी तरफ खींचने के लिए बीजेपी ने अभी से ऐसा प्लान बना लिया, एक एक बड़ा आदमी एक बड़ा नेता जो भी है मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम उन्होंने दो दो सीटें ले ली हैं, और वो हर एक सीट पर ओबीसी जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ खींचने के लिए ज्यादा तरह की रणनीति कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं और उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी उनके साथ में क्या आगे, उनको किस तरीके से आगे लेके जाएंगे। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी गतिविधि भी देखने को मिली, केशव प्रसाद मौर्य आपको दिल्ली जाते दिखे, तो ओबीसी वोटर्स को अपनी तरफ फिर से बीजेपी लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। और आरएलडी को क्यों दिया जा रहा है एक सीट, इसलिए क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में जो एक पार्टी सहयोगी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था वो आरएलडी थी, जिसने अच्छा परफॉर्म किया था। और इन दो सीटों में जो 2022 चुनाव की बात करें उसमें भी आरएलडी उस वक्त सपा के साथ थी, लेकिन उसका परफॉर्मेंस अच्छा था और उसने एक सीट जीती थी। इसलिए इस बार भी हो सकता है कि मीरापुर और या फिर कटहरी में से एक सीट, खैर सीट में से एक सीट उनको मिल सकती है। बिल्कुल, और इसके पीछे और भी कई पॉइंट्स हैं। अगर ये देखें तो देखिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है लोकसभा चुनावों में, इंडी गठबंधन ने बहुत अच्छा किया है, और ये जो मौका है समाजवादी पार्टी भी नहीं चाहती कि अपनी तरफ से वो इसको गवा दे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर ये वाली बात आ जाएगी कि तुक्का लग गया, आप तो कैसे जीत गए, ये एक एजेंडा सेट हो जाएगा या फिर कह सकते हैं लोगों के बीच में ये मैसेज जाएगा। समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, लेकिन वही दूसरी तरफ एक और बात ये है कि अगर अच्छा प्रदर्शन बीजेपी नहीं करती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, तो केंद्रीय नेतृत्व के पास एक ये मैसेज जाएगा कि आपकी वजह से जो प्रदर्शन है ना सिर्फ उपचुनाव में खराब हुआ बल्कि लोकसभा में भी इसी वजह से खराब हुआ। अभी इसके पीछे वजह कई और हो सकती है, जैसे कि सामने आई थी कि उस बारे में विमर्श हुआ था और इसके मंथन हुआ था, तो ये बातें सामने आई कि कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में समन्वय नहीं था, अपनी योजनाओं को लोगों तक नहीं पहुंच पाए और इस तरह की तमाम बातें आई थी। लेकिन अगर इस बार उपचुनाव में खराब प्रदर्शन होता है तो ये पूरा का पूरा जो कह सकते हैं कि जो डैमेज है उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे ध्यान देना होगा कि योगी आदित्यनाथ ही सबसे आगे बढ़ करके इसमें जो सबसे चैलेंजिंग सीट है अयोध्या की और अंबेडकर नगर की, एक मिल्कीपुर और कटहरी सीट, इन दोनों सीटों को लेकर के योगी खुद ही उस पर मॉनिटर कर रहे हैं। और अभी लगातार वो जैसे अयोध्या में 2 दिन रहे भी और अयोध्या के लोगों को बताने की कोशिश किया कि और कि वो आगे उनके लिए क्या करना चाहते हैं, कैसे बदलाव होगा। और अयोध्या के लिए इस बार बजट को लेकर के विपक्ष ने मुद्दा ही बनाया, लेकिन अयोध्या चूंकि बीजेपी का लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा जो हारा अयोध्या सीट था और उसकी वजह से उसकी इमेज काफी बैड इमेज गई है, इसलिए सीएम योगी उसको संभाल रहे हैं। और जो अभी ये अवधेश प्रसाद के जो साथी रहे मिल्कीपुर वाला जो केस हुआ अयोध्या वाला, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत होते दिख रही है। और अगर 2022 चुनाव की बात करें उसमें सपा अकेले लड़ रही थी, लेकिन इस उपचुनाव में एक बड़ा अड़ंगा ये है सपा के साथ में कि वो इंडिया अलायंस के साथ लड़ रही है, जिसमें अभी सीटों को लेकर के माथा पच्ची हो रही है, तो इसका भी फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी उठाना चाहती है। और यही चीज जनता के बीच में पब्लिक के बीच में बताने की कोशिश कर रही है कि उनके बीच में अभी भी देखो सीटों को लेकर के तालमेल नहीं बन पा रही है, हमने तय किया कि हम 9 सीटों पर लड़ेंगे, तो अभी तक की जो सर वो है परिस्थितियां हैं उसमें विपक्ष की तरफ से जो इनके सहयोगी पार्टी है
कोई भी आवाज उठाते भी नजर नहीं आ रहे कि हमें वो सीट चाहिए। बिल्कुल, और एक बात और यहाँ पर ये कि देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया कि बीजेपी ने 9 सीटों को लेकर अपनी दावेदारी जताई है, तो उन्होंने जो अलायंस पार्टी है, चाहे वहाँ पे सपा की बात कर ले, निषाद पार्टी की बात कर ले, अपना दल की बात कर ले, इनको भी एक मैसेज दिया है कि आपको सक्रिय होने की जरूरत है, क्योंकि हमने लोकसभा चुनावों में देखा किस तरीके से निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष है संजय निषाद, उनके बेटे हार गए जबकि वो बीजेपी के चिन्ह से लड़ रहे थे। इसके अलावा सपा के जो अध्यक्ष है यहाँ पर ओपी राजभर, उनके बेटे चुनाव हार गए। तो ये एक बड़ी बात है कि ये पार्टीज अपनी जाति के वोटर्स को भी अपनी तरफ खींच नहीं पाई, और ये नुकसान उपचुनाव में ना हो, इसीलिए बीजेपी ने सीधा ये मैसेज दिया है कि आप सक्रिय रहिए। अगर एक्टिव नहीं रहोगे, अगर वोटर्स आपकी वोटर्स हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे सहयोगी दलों का, और यही वजह है कि किसी सहयोगी दल ने अभी तक के इस पे कोई अप्रोच भी नहीं किया है कि हमें सीट क्यों नहीं दे। बिल्कुल, किसी की तरफ से कोई बयान नहीं, कोई अप्रोच नहीं, लेकिन आरएलडी अपनी तरफ से दावेदारी लगातार मांग रही है। आरएलडी ने परफॉर्म अच्छा किया था और लोकसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन अच्छा रहा, इसीलिए वो सीट पे दावा कर रही है, और इस बात से वो श्योर भी दिख रही है कि वो ये सीट जीत के भी देगी बीजेपी। बिल्कुल, और ये सीटें है भी जाट बाहुल्य सीट, और ऐसे में बीजेपी भी नहीं चाहती कि किसी तरह का लॉस वो इन उपचुनावों में ले, तो हो सकता है कि खैर सीट और मीरापुर सीट में से कोई भी एक सीट वो आरएलडी को दे, तो ये उपचुनावों में हालांकि बहुत कह सकते हैं चैलेंजिंग होने वाला है, कंपटीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इन उपचुनावों में, ये हल्की उपचुनाव नहीं है क्योंकि ये 2027 में विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव हो रहे हैं, एक तरीके से सेमीफाइनल है। और लोकसभा चुनावों में जो मैसेज लोगों के बीच में गया है, उस मैसेज को तोड़ने की कोशिश, उसको खत्म करने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, यही कोशिश है, क्योंकि ये सारी की सारी 10 सीटें, सबसे बड़ी बात है कि इन 10 सीटों पे ओबीसी का बाहुल्य सीटें हैं, और ओबीसी वोटर्स लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी से छिटके हैं, और उनको इसी वजह से कहीं ना कहीं उसको सीटा नुकसान हुआ है, इसीलिए इस बार बीजेपी इस चुनाव में किसी तरीके से रिस्क नहीं चाहती है, और जितने अपने उसके ओबीसी वोटर्स हैं उसको फिर से अपनी तरफ लाना चाहती है, और यही वजह है कि अयोध्या वाला मुद्दा भी काफ़ी ज़्यादा चरम पे रहा, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को लगेगा इस चीज़ पर। और दूसरी बात ये रही कि अभी जो बाढ़ बारिश हुआ उसके बाद जो अयोध्या की इमेज बनी और उसको जो बाढ़ से परेशान हुआ, तो कहीं ना कहीं अब जो वर्तमान सरकार वहाँ पे सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने भी कहा कि ऐसी सुविधाएं बीजेपी पर अभी तक वो ठीकरा ही फोड़ते आए, कुछ उसके लिए इम्प्रूव नहीं किया, तो वो लोग भी लगातार अभी कहीं ना कहीं। और दूसरी बात यह है कि इंडिया अलायंस पे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस किया उसका एक दबाव होगा, बेस्ट करने का दबाव होगा, इस चक्कर में हो सकता है कहीं ना कहीं सीटों का चयन में उनसे गलती हो सकती है, जिसका फायदा बीजेपी उठा सकती है, और यही उसका स्ट्रेटजी है, लगातार उन सीटों पर लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल, और देखते हैं कि कितना कामयाब हो पाती है बीजेपी। हालांकि बीजेपी को कहीं ना कहीं यहाँ पे मौका तो मिला है, वो अयोध्या रेप कांड का हो सकता है, जिसमें वो समाजवादी पार्टी को एक बड़ा नुकसान कर सकती है इन उपचुनावों में, अगर बीजेपी सही रणनीति के साथ में बूथ के कार्यकर्ता के साथ मिलकर प्रचार प्रसार करती है तो। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर इन उपचुनावों में क्या होगा और किसको कितनी सीटें मिलेंगी। बहरहाल, आपको जानकारी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।